अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ माहिरा और आप देख रहे हैं इंडियन जायका। आज मेरी मम्मी बना रही है सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए सीखते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, 3 कप पानी डालेंगे, 1 कप शक्कर डालेंगे, शक्कर को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, चार कुटी हुई छोटी इलायची डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे। चाशनी को 3 उबाल आने तक ही पकाएंगे। ये देखिए, चाशनी तैयार हो गई है। अब हम हलवे के लिए ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई लेंगे, 2 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे, 20 बारीक कटे हुए बादाम डालेंगे, 20 किशमिश डालेंगे, 10 से 12 पिस्ता डालेंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप डाल सकते हैं। अब हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए इसी कढ़ाई में 250 ग्राम देसी घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद 1 कप सूजी डालेंगे। सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको गोल्डन होने तक भूनेंगे। ये देखिए, घी अलग होने लगा है। इसका मतलब है कि सूजी हमारा भून चुका है। अब हम इसमें चाशनी ऐड करेंगे। चाशनी ऐड करते वक्त गैस ज़रूर बंद करिएगा। हम गैस बंद करना भूल गए थे। चाशनी डालकर हलवे को 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें 200 ग्राम मावा ऐड करेंगे। मावा हमने घर में ही बनाया है, इसकी भी वीडियो जल्द ही आने वाली है। मावा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावा से हलवे का जायका और बढ़ जाता है। मावा डालने के बाद 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सूजी का हलवा तैयार है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।